सो गुड मॉर्निंग एवरीवंस, मैं कमलेश निगी उत्तराखंड चमोली से अपनी साइकिल यात्रा पे हूँ अभी। और मैं कल रात यहीं पे रुका था, पूरा मतलब जो मंदिर समिति का अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो वहीं पे रुका था। और अभी नहाना धोना हो चुका है, देखते हैं आज। वैसे स्कूल में जाने का प्रोग्राम है, जो यहाँ पे मंदिर समिति थे उन्होंने बात बोल रहे थे कि मतलब सुबह बात करेंगे, देखते हैं। वो लोग अभी ये तो आए नहीं है, यहाँ पे पंडित जी लोग हैं वो मंदिर में पहुँच चुके हैं। और मैंने कल रात यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, केवल मैं अकेला यहाँ पे था और सब कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी प्रॉपर रूप से था, तो काफ़ी अच्छे जो व्यवस्था थी वो कल रात थी। और कपड़े भी यहीं पे धुले थे मैंने, तो अभी ले चलता हूँ कपड़े ले आता हूँ पहले। तो ये यहाँ से काफ़ी अच्छे यहाँ पे हम लोग, तो कपड़े लेने चलता हूँ। यहाँ पर लिफ्ट वगैरह सब कुछ है। तो ये है बुद्ध, छोटा सा शहर है, मतलब ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। और यहाँ पर मंदिर समिति का ये अपार्टमेंट था, ये वॉशिंग मशीन था, तो रात को मैंने कपड़े वगैरह भिगो लिए। हाईवे इधर ही पीछे है और ये मंदिर है सामने पे एकदम, रानी माता जी का। ये पंडित जी हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल पंडित जी और दो पंडित जी और एक मैं था पूरे अपार्टमेंट में। तो कपड़े लिए चलता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ भैया आपको बोला था अभी कि यहाँ पे पराठे वगैरह कम मिलते हैं, हमें आदत है पराठे खाने की, तो देखा उन्होंने कहीं बाहर से पराठे मंगा रखे हैं, घर से आलू के पराठे सुबह नाश्ते में। तो मैं अभी बुद्ध बुद्ध में हूँ, मारवाड़ मंदिर, रानी सती जी के मंदिर में। और कल रात यहाँ पे रहना था, स्टे था मेरा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब रहना खाना सब कुछ मंदिर से नीचे की ओर से था, तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यवस्था यहाँ पर रही। पंडित जी से मिला था आपको, तो ये पंडित जी हैं दीपक तिवारी जी। तो थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और मैं पंडित जी को भी यही कहूँगा कि हमको भी कभी सेवा का अवसर दें, केदारनाथ आए बिल्कुल वहाँ पे, हमें भी कभी सेवा का, आप लोग इतना कर रहे थे, हमारा भी फर्ज बनता कि आप लोगों के लिए कुछ करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया। और अगर आप भी कभी भी अगर यहाँ से निकल रहे हैं कलकत्ता की और नज़दीक में हैं या फिर बुद्ध बुद्ध में हैं, तो एक बार जरूर इस मंदिर में विजिट करें, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और इसी के बाहर पर एक दूसरा मंदिर भी है, ये भी कौन सा है, इसी के बगल पे एक मंदिर भी है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो जब भी आप अगर यहीं पर आ रहे हैं तो विजिट करें। और मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, देखता हूँ, स्कूल में थोड़ा प्रोग्राम रखा था, कितने बजे खुलता है वो डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, अभी पता करेंगे। और उसके बाद अगर स्कूल में विजिट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ आज कलकत्ता की ओर। तो आगे आगे मिलते रहते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो मैं अब जाके बुद्ध बुद्ध से निकल चुका हूँ, और कल रात जो यहाँ पर रुकने का था इतना अच्छा था, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, और लोग इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, और मैं वैसे से डर रहा हूँ कि यार मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी, अगर लोग इतना कर रहे हैं तो हमारा भी बिल्कुल दायित्व तो बनता है कि हम भी उतना ही करें, तो भगवान देंगे हमको भी मौका, देंगे ये सब कुछ करने का, लोगों की खातिरदारी करने का, ऐसा नहीं है, लोग इतना कर रहे हैं तो हमारा भी बिल्कुल फर्ज है, तो बिल्कुल देंगे भगवान भोले शंकर ऐसे मौका हमको भी देंगे कि जो हो सकता है जो लोग हमारी खातिरदारी कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग ही ना मिले, अगर लोग मिल सकते हैं वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम किसी और की करेंगे और वो किसी और की करेंगे, तो मतलब ये चलता रहेगा। और अभी आप कोलकाता की ओर निकलना है, वैसे 150 के आसपास किलोमीटर है, लेकिन आज पूरा तय नहीं करता हुआ कितना ज़्यादा हो जाएगा, 150 किलोमीटर तो कल पहुँच पाऊँगा मैं कोलकाता, कल बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो मैं जैसे ही अभी हाईवे पे जा रहा था, एक ट्रक आ रहा था पीछे से, और उसका शायद से टायर फटा है, और इतनी ज़ोर से फटा है मुझे लगा कि मतलब जैसे ब्लास्ट होता है ना एकदम, ये यहीं पर फटा है, इसके छिलके पड़े हुए हैं, और
जैसे वो ब्लास्ट हो गया एकदम यहाँ पर आएगा, मैं एकदम से काफ़ी डर गया था और रुक गया। आगे जाके ट्रक खड़ा हुआ है, मतलब इतनी जोर की ब्लास्ट हुई है ना, मुझे ऐसे लगा कि मतलब कुछ मतलब इतना जोर का कि बता नहीं सकता हूँ। ट्रक यहाँ जाके खड़ा हुआ है, तो आज का काफ़ी अच्छा रह रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पर, तो मैंने जैकेट वगैरह खोल ली, अभी टी शर्ट में चल रहा हूँ। अभी मेरे को लगता है कि टी शर्ट मेरे पास फुल वाले लेनी चाहिए, क्योंकि हाथ में थोड़ा डार्क हो जाएगा अगर ऐसी गर्मी रही तो। अभी थोड़ा ठंड होने लगी, मतलब हवा चलने लगी है, और इस हाईवे पर थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि ट्रक दो दो तीन तीन एक साथ चले जा रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा है ऐसे में। बहुत साइड साइड चल रहा हूँ एकदम में, बस सब एक साथ देखते हैं। अभी 30 किलोमीटर में को और चलिए, क्योंकि अभी तो 3:30 हो रहा है टाइम, देखते हैं कैसे रहता है। आई होप कि 30 किलोमीटर तक तो चलना ही चाहिए, तो कल के लिए थोड़ा सही हो जाएगा। कल मैं कलकत्ता बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, और थोड़ा उसके बाद एक्सप्लोर भी करूँगा कलकत्ता, क्योंकि अगर कल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हो जाता है एक दो चीज़ें, तो फिर परसों से ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा कलकत्ता में। तो चलो आगे ले चलते हैं, देखते हैं आज कैसे रहते हैं रहने का। तो ये धान है, और धान को जो दाने निकाल के ना ऐसे ही सुखाया जा रहा है पूरे रोड पे, वो उधर तक देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक। तो आज का एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहा कि पीछे सारे मतलब जितने भी हाईवे पर आ रहा था छोटे छोटे गांव थे, मैंने दो तीन जगहों पे रहने के लिए पूछा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे नहीं रुक सकते, बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। छोटे छोटे गाँव थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया था पूरा। तो अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, लगभग काफ़ी टाइम में लगभग 14 किलोमीटर अंधेरा होने के बाद चला हूँ। उसके बाद ना कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे रहने के लिए, तो मैंने लास्ट में एक जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, तो इन लोगों ने हाँ कह दिया। इसके बाद मैं कैंप लगाऊँगा और यहीं पर रहूँगा। यहाँ पर थोड़ा सॉलिड ये कि मतलब सही रहता है सिक्योरिटी वगैरह, और बाकी वॉशरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, अपना कैंप यहाँ पर लगा लूँगा। वैसे ये लोग पीछे बोल रहे हैं, लेकिन इधर मिट्टी मिट्टी और यहाँ पर घास है, तो घास में लगा लूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल आपको ले चलेंगे कलकत्ता। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।